भाई कितना टाइम हो गया ये काम करते को? दो साल हो गए। रोज के कितने स्टेरिंग कर देते हो? 10 गाड़ियां कर देता हूँ। 10 गाड़ियां अकेला ये कवर ही डालते हो कि कुछ और भी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई दोपहर का 1 बज चुका है और मैं जा रहा हूँ आज अपनी गाड़ी की एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। तो जब से मैंने गाड़ी ली है 1.5-2 महीने आई थिंक होने वाले हो गए हैं, तो उसमें मैंने स्टेयरिंग पे कवर नहीं चढ़वाया था जिसकी वजह से कभी कभी हाथ स्लिप हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस पर मैट का कवर चढ़वाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल इतना ही करवाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे उसकी कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाऊँगा वो मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाता जाऊँगा। तो चलिए गाइस, पहले गाड़ी निकालते हैं प्लॉट में से, उसके बाद शॉप पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कवर चढ़वाएंगे और कैसे ये कवर चढ़ाया जाता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस तो कार के पास पहुँच गए हैं, अभी कल ही मैंने गाड़ी धोई थी, तो गाड़ी धो के मैंने यहाँ कवर चढ़ा दिया था। तो चलिए पहले कवर उतारते हैं, मैं आपको चमकी हुई गाड़ी दिखाता हूँ। ये साथ में मेरा फ्रेंड जा रहा है, तो ये अभी गेट खोल रहा है, तो इसके बाद ये कवर भी यही खोलेगा कार का। कवर उतार रहे हैं हम, आपको दिखाता हूँ। कल ही गाड़ी धोई थी तो इसलिए साथ ही कवर चढ़ा दिया था। यहाँ काफ़ी मिट्टी वगैरह उड़ती है ना, यहाँ से मिट्टी उड़ के गाड़ी में पड़ जाती है। तो ये देखिए कवर उतार दिया है, गाड़ी कुछ ऐसे शाइनिंग कर रही है। कवर को इकट्ठा करके बैक सीट डिक्की में डाल देंगे, तो जब वापस आएंगे यही कवर निकाल के फिर उसके ऊपर चढ़ाना भी है। गाड़ी को जितना सेफ रखोगे उतना अच्छा रहती है ये। तो ये देखिए कार की चाबी जेब में है, हम जैसे ही पास जाएंगे ये वेलकम के लिए साइड मिरर ओपन कर देती है। तो चलिए अब कार निकालते हैं, यही बटन से प्रेस करके लॉक हो जाता है, कीज़ को हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार को हमने प्लॉट से निकाल लिया है, अब जाने लगे हैं। ये मेरा फ्रेंड है मेरे साथ, इसका नाम भी आशु है, तो हमारे दोनों का नाम सेम हो गया आशु। तो चलिए गाइस अब चलते हैं शॉप पे, स्टेयरिंग का कवर पूछते हैं। गाइस तो अभी लाइटों पे खड़े हैं, तो काफ़ी लंबा जा ट्रैफिक हुआ पड़ा है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो तब भी सारे के सारे रोड भरे रहते हैं ट्रैफिक से। तो आप क्या कहना चाहोगे ट्रैफिक पे? यही हमारी इंडिया की खूबसूरती है, सारे लोग एक जगह खड़े होंगे, कोई भी हो, ऊंची जाते का नीचे जाते का सब रोड पे खड़े होंगे, है ना। तो ये हम आ गए हैं मार्केट में, जहाँ सभी कार की सर्विस भी होती है और हर तरह का, कोई भी कार हो हर तरह का पार्ट्स भी मिल जाता है कार का। कोई मॉडिफिकेशन करवानी हो तो सब कुछ यहाँ मिल जाता है, हर तरह की चीज़ यहाँ मिल जाती है, एनी टाइप ऑफ। तो गाइज यहीं से हम अपना कार के स्टेयरिंग का कवर डलवाएंगे। तो चलिए कोई शॉप ढूंढते हैं जहाँ से अच्छा कवर मिल जाए। गाइज तो शॉप पर तो पहुँच गए हैं, पर अभी यहाँ देखना पड़ेगा कौन सी शॉप पे हमें स्टेयरिंग का कवर अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं देखते हैं कोई शॉप। ये शॉप है देखिए स्काईवे, यहाँ से कवर लिया है हमने। तो चलिए डलवाते हैं। भाई कितना टाइम हो गया ये काम करते को? 2 साल हो गए। रोज के कितने स्टेयरिंग कर देते हो? 10 गाड़ियां कर देता हूँ। 10 गाड़ियां अकेला ये कवर ही डालते हो कि कुछ और भी? सीट कवर भी डाल देता हूँ गाड़ियों के। अच्छा ये दो काम ही करते हो, स्टेयरिंग के और सीट कवर के। अच्छा तो अच्छे से डालना आ गया, कितने टाइम में डाल देते हो? 15 मिनट में एक गाड़ी हो जाती है। और जो गाड़ी के सीट कवर होते हैं उसको? उसको स्किन टाइप फिटिंग करानी हो तो उसको 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा टूल फिटिंग करानी हो तो अपना 1 घंटे में चल जाता है। चलो अच्छी बात है। कितने से कितने काम करते हो? सुबह 11 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। लंबी ड्यूटी है। थैंक यू भाई। भाई तो यहाँ गाड़ियों के सीट कवर्स भी मिलते हैं, पर मैंने अभी डलवाने हैं, पर थोड़ा रुक के डलवाऊँगा
तो ये देखिए अलग अलग तरह के सीट कवर्स हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी एक्सेसरीज भी हैं जो गाड़ी की, जैसे स्पीकर्स हो गए अच्छी क्वालिटी के, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर तरह की चीज़ है। बेसिकली इनका काम कवर्स का है, जैसे स्टेयरिंग का कवर और सीट के कवर, बाकी तो छोटी छोटी एक्सेसरीज रखी हुई है इन्होंने। तो ये देखिए शॉप के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, यहीं पे वो लड़का अंदर बैठ के स्टेयरिंग का कवर डाल रहा है, तो बस होने वाला है, उसके बाद फिर हम चलते हैं। गाइस तो स्टेयरिंग का कवर फाइनल हो गया है, ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छे से फिटिंग की है, बिल्कुल 00 फिटिंग की हुई है। तो ये शॉप है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं घर पे, तो पहले गाड़ी को प्लॉट में लगा देते हैं। अब हम वापस घर आ गए हैं, तो गाड़ी भी प्लॉट में लगा दी है, तो चलिए अब घर चलते हैं। अभी टाइम 4 बज गए हैं, जिम का भी टाइम हो गया है, तो अब घर पे जाके फटाफट जिम की चाबियां उठा के जिम खोलते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच गाइज।